Philip, Pierre, and in my third. Abingdon, we were speaking about that. Mm-hmm. Abingdon sold the big house, and it was just in the town, Abingdon. अपना मकान बदल दिया पहले बड़े में रहते थे अब छोटे में रहते और बाइक के बाजू में बड़ा मकान का क्या किया बेच दिया उस जगह का नाम अबिंगडन5 minutes. Slowly you are becoming bigger. Slowly you are becoming a bigger. Bigger. Teaching Hindi. And Anna must have stayed for 1 week. Marie must have, and Anthea must have stayed. Anthea. And Andrew Bali. Andrew Bali was coming. He was coming. He was injured. He got hit by a car. Gali soon got the car, huh? आने वाले थे चोट लगना गाड़ी चोट लगे ऐसी नहीं है Oh, we went to Wembley to the big manor at Wembley, and we spoke to 12 people while we were there. लंदन में ब्रह्मा कुमारी का मेला लगा था. उन लोगों ने 12 ब्रह्मा कुमारियों के पास बात की. Well, we just spoke to them. Looking very happy. कोई जो कंपनी पर बात की थी कोई मैंने पूछा था कि क्या है कुछ उससे भी बात की थी और ग्लोबल रिसर्च सेंटर भी गए थे. वहाँ रहवासी जितने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया पड़ता है. वो खुश नज़र नहीं है लेकिन हम तो खुश थे. Did they understand anything? From your side? Okay. Yeah, I think it's
नमन जी के पास चल रहा है स्कॉटलैंड में चला गया जैसे लंदन साउथ में है वो अब नॉर्थ में चला गया वो भी एक घंटा ट्रेन के सफर तो 4-5 घंटे उसके लगते हैं मोटर बाइक से वो क्या नाम है वहाँ उसकी बहने रहती हैं उसकी माँ उनके साथ वो एम सी माता 4 माह के लिए वहाँ गई स्कॉटलैंड में हाँ करके के लिए जब वो इंडिया से No, but in Nyakia, there is a policy in Srinath, it seems to be, let's start that again. There's a lot of secrecy in Nyakia. Can Baba tell us what the Srinath about what we tell each other in? What do we ask in front of other people? What do we ask Baba? What is it okay for people to know about what we do and what is not okay? मतलब उनका प्रश्न ये है यज्ञ में बहुत कुछ गुप्त रखा जाता है तो बाबा से ये श्रीमत लेने की इच्छुक है कि हम कितना हद तक बात कर सकते एक दूसरे से और बाबा के साथ क्या क्या सामने रख सकते इतना मालूम हो उतना हद तक खुली बात कर सकते नॉट मच मालूम हो मतलब जितना इनकी नॉलेज में हो उतना खुली बात कर सकते हैं जो न मालूम हो मालूम करने की इच्छा हो उसके बारे में पूछ सकते हैं मीन्स बाबा इज सेइंग दैट मच यू नो यू कैन डिस्कस विद अदर्स एंड दैट यू डोंट नो यू कैन गेट इट क्लैरिफाइड अबाउट ज्ञान बट अबाउट सर्विस के सेवा के बारे में क्या क्या हम बोल सकते हैं जैसे जो भी जो बात अटकती हो वो बोलिए जो What Baba's saying, anything can be said in front of anyone. But this is not what happens. There's a lot of secrecy. Secrecy of what? Can you please clear it? Of what the people are doing. What if somebody is coming to India to do something, they don't tell anyone. मतलब उदाहरण दिया मैंने पूछा कि गुप्त मतलब आप थोड़ा विस्तार में थोड़ा खुल के बताइए तो इन्होंने वाला एक मिसाल दिया जैसे मतलब जैसे इन्होंने मिसाल दिया कोई बारात आ रहे तो पता ही नहीं चलता है आ जाते हैं सभी को पता नहीं चलता है आपके क्या किया जाते हैं क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं चलता एग्जाम्पल दिए हैं सारे डाटा दे दो बच्चे ये लोग आए ये लोग इतने दिन के इन्होंने ये कहीं जो कुछ हुआ मुझे बता दीजिए क्या हाल है इनका जो प्रश्न है वो ये कहना चाहते हैं कि यज्ञ में लोग ऐसे काम करते हैं और दूसरे लोग यज्ञ में उनको गुप्त रखकर जैसे यहाँ आ जाते हैं बताइए जैसे वो लंदन से
हमने किसी को बताया नहीं और हम यहाँ आ गए। ये वहाँ भी नहीं बताया और यहाँ भी नहीं बताया। हाँ यहाँ बिना बताए कैसे आ रहे, यहाँ तो मालूम पड़ जाता है। ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें खुद कर सी जाती हैं। नहीं यानी किस हद तक लोगों को बताना चाहिए और किस हद तक गुप्त रखनी चाहिए। बाबा के प्रोग्राम के अलावा और सब का प्रोग्राम आरोप किया जा सकता है। Except for Baba's program, you can spell out the program of every other person. Okay. So what is the meaning of the left hand mustn't know what the right hand is doing? हाँ बाबा, इनका ये पूछना है ना, जैसे बोला जाता है ना सेवा के मामले में, जो दाहिने हाथ से जो दिया जाता है वो बाया को पता नहीं चलना चाहिए। तो किस मिसाल में बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि बाबा के लेन देन हमारा है और किसी के लेन देन नहीं। तो बाबा को ही मालूम पड़े या देने वाले को मालूम पड़े, बीच में दूसरों को मालूम पड़ने से उसकी कीमत कम होती जाती है। एक को मालूम पड़ेगा कीमत कम होगी, दूसरे को मालूम पड़ेगा कीमत कम होगी, तीसरे को मालूम और कम होगी, चौथे को मालूम पड़ेगा और कम होगी, सारे को एक्सपोर हो जाए उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। यही बाबा इसमें सी वॉट एवर यू गिव एस सेवा ओनली द टेकर दैट इज बाबा एंड द गिवर व्होएवर इट इज ओनली दे शुड बी नेम दैट इज द डीलिंग शुड बी ओनली विद बाबा। Suppose it gets exposed in front of one, its value goes off. If its value goes off much, if it gets revealed to two persons, still its value becomes less if it gets revealed to three persons and four persons likewise. And suppose if it gets exposed in front of everybody that this is the seva, then the entire value is lost. So whatever is the dealings, it should be only between Baba and the one who is giving, and not to be revealed to the others. Baba says. That is the secret of Baba. Yes, that is the good. If you share it, then the value comes over there. Okay. With respect to any other thing, please clarify more. What gets clarified? If you explain it with examples, Baba will give the explanation. Hey, Murli ne jo direction hai, uske anusar hi bataya, aur waisa hi hona chahiye. So Baba is telling whatever that has been said in Murli, Baba is so let's explain. Then when we see Baba, it's good to have specific things clarified about specific service. And Murli covers everything. मतलब ये कह रहे हैं बाबा के साथ जब हम मिलते हैं एक निश्चित बातों के बारे में, निश्चित सेवा के बारे में हमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। मुरली में तो बहुत कुछ आता है, कोशिश करें हर एक आदमी को ज्यादा से ज्यादा मुझे जो आता है तो ग्रास करना अच्छा ही तो है। Yeah, we'd like to ask other about, but if we talk about them now with everybody here, because there are questions that need answering, do we have to have a private meeting? Baba पूछ रहे सेवा के बारे में, इनका बहुत कुछ प्रश्न है जो बाबा से clarify करना है, और ये अगर ये वो सारे बातें यहाँ उठा देंगे सभा के बीच में तो सबको पता लग जाएगा। तो पूछ रहे ये अच्छी बात है ना कि हम एक पर्सनल सेवा के बारे में कोई ऐसा प्लान होता है जो ब्रह्म कुमारियों से कनेक्टेड है तो उसको थोड़ा समय गुप्त रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की बात अगर ब्रह्म कुमारियों तक पहुँचती है तो हमारे सेवा को नुकसान पहुँच जाएगा। मतलब एक और बात है, इनका कुछ हमने कहा ये कुछ काम किया है, कुछ टेक्निकल काम किया गया कंप्यूटर के संबंध में, और वो इनको क्लैरिफिकेशन चाहिए अभी वो क्या किया है, कितना मेहनत किया है, ये सारे बात जो है ये सभा के बीच में रखने योग्य है या पर्सनल में बात करने योग्य है।
क्योंकि उसमें भाषा की प्रॉब्लम की वजह से एक आदमी को तो नहीं क्या करना पड़ेगा नहीं जाता So therefore, it needs to be kept secret. Well, with respect to other things, I talked to Baba, with respect to something that you have done something in computer and technical thing, and does it need to be presented in front of everybody? So Baba said, since Baba cannot understand the flow of English, Baba has to have one mediator. Oh yeah, I mean everyone else. Do we just have one mediator and no one else, or do we have? Baba, ये कुछ है, एक व्यक्ति को बीच में रखा जाता है, दो चार औरों को भी रखा जाता है। एक सेपर ट्रांसलेशन करने के लिए। Just one for the sake of translation, Baba. Okay. All right, fine. So this is quickly questions here about the art. तो इन्होंने समझ गए मतलब हम यहाँ जो भी उठाए ज्ञान से संबंधित प्रश्न ही होना चाहिए ना इसका मतलब तो सेवा के बारे में अलग से बात करें तो अच्छा रहेगा it's about how does one path become known? How do I get to know my path? बाबा ये पूछ रहे हैं मैं अपना पार्ट को किस तरह से पहचान सकूंगा जितना बीच स्टेज में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक टिकते जाएंगे उतना आत्मा का विस्तार का पता चलता है अमाउंट ऑफ टाइम यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ इन बीज रूप स्टेज दैट मच यू कम टू नो अबाउट योर एक्सपेंस Yeah, I knew that. So does the path really become clear by what we do? Rather than until we take action. We take action and then our path becomes clear? So hum kuch karenge uske aadhar se hamara path khulta jayega. Seva ke hisab se pad banta hai, wo khulta jayega. Well, still, your position will be revealed according to the service you do. And that gets pretty good. Yes. So we could sit. We could sit in a bead room stage for a long time and do nothing. And it's no good. What's this? Bead room. Bead room. You had it. And you do nothing yet. Well, it's easy to think, I don't know my path. I do nothing. I'm not going to do anything until I understand my path. तो बाबा बोल रहे हैं तो बहुत आसान सी बात है कि मैं बीज रूप अवस्था में बैठ जाऊँ मुझे तो कुछ भी पता नहीं है तो जब तक मुझे अपने बारे में कुछ पता चले तब मैं कुछ करूँगा ऐसे बैठ बैठ ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा तो बाबा इफ इट कैन बी रियली बी अचीव इट इज वेरी गुड बाबा ने कहा है कि जिसको जिसमें ज्ञान नहीं बैठता कोई बात याद नहीं रहती तो बस वो याद में मस्त हो जाए याद जिसकी ज्यादा होगी अंत में उसके अंदर ज्ञान सारा ही समा जाएगा तो बाबा सरिंग द वन हु थिंक दैट वी डोंट हैव मच नॉलेज वी कांट अंडरस्टैंड इट वी कांट रिमेंबर इट वेल बाबा सरिंग वेल यू सिट इन रिमेंबरेंस इन द एंड द प्रैक्टिस विल बिकम सच that all the knowledge will get settled down in automatically. Yeah. But until then, till that time, tab tak, do we take no action? Tab tak hum kya karna hai? Tab tak kya karna hai? Woh sthiti aane tak. Jab tak hume yog bal ki power nahi milti hai, jisse hum apni sari bimariyon ko nasht kar sake, तब जो भी साधन मिलते हैं हम अपनी बीमारियों को नष्ट करते हैं
or avoid sleep until we don't achieve that stage of yoga bal, through which we can destroy all the diseases. Till then, well, we have to utilize all the things that are there. To at our disposal. Any things that are at our disposal, yeah. We can use it. That is to say, you have to carry on. वो बोल रहे हमें पता ही नहीं चलता हमको क्या करना चाहिए जब तक हम बीजरूप अवस्था में ना ठीक है अभी मतलब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ती जाती है ना प्रैक्टिस नहीं बढ़ती इट इज नॉट दैट नथिंग इज बीइंग डन वेल स्लोली एंड श्योरली यू कैन इंक्रीज द प्रैक्टिस प्रैक्टिस विल श्योरली इंक्रीज प्रैक्टिस मीन्स इट इंक्रीज यू कैन क्लैरिफाई व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट सेवा और व्हाट यू वांट टू डू इन according to Seva you are asking Baba what to do you are asking because Baba is still not clear what exactly what am I talking about we can't talk yeah. We're not to talk in front of everyone it has to be private yeah मतलब अभी भी कुछ है खुल के बोलना नहीं चाहते मतलब पर्सनली बात करना चाहते हैं कुछ कुछ बातें हैं ओके मेरा पहला क्वेश्चन है जैसे कोई आत्मा आपके सामने बाबा के सामने साकार में आते हैं तो कोई मतलब सब कुछ भूल जाते हैं ना जीरो हो जाता है कुछ भी याद नहीं रहता उससे पहले उसके मन में बहुत सी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन जब बाबा सामने आते हैं तो सब भूल जाता है और क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता है तो इसका क्या कारण हो सकता है उस आत्मा का क्योंकि बाबा के बच्चे होंगे बाबा के घर के होंगे तो बाबा का घर तो परमधाम है कहाँ का रहने वाला है परमधाम परमधाम में संकल्प चलता है निसंकल्प स्टेज है निसंकल्प स्टेज ही भवन में रहने वाला है तो जो बच्चे बात करते हैं कनेक्शन जुटता है तो परमधाम से उनका कनेक्शन हो जाता है तो फिर अगर कोई आत्मा ऐसा अनुभव नहीं हो नहीं होगा जिनको नहीं होता है वो हमारे कुल के नहीं है नहीं है तो इसका मतलब जो और कुल के हैं तो वो आत्मा बाबा के साथ पहले विसर्जन में चाहिए बाबा के साथ साथ नजदीक होगा तभी तो उसको विसर्जित हो जाती है देखते ही दुनियादारी भूल जाती है और दूसरा बाबा शिव बाबा जो है वो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो वो हिंदी सिर्फ हिंदी समझते दूसरे भाषा नहीं समझते शिव बाप शिव शिव बाप जो है शिव बाप किस मुकर लक्ष्मी आता है हिंदी भाषा जानते हैं जैसे तन में आएगा वे वही भाषा जानेगा अब ढेर सारी भाषा है हिंदी की अलग तो इसका मतलब शिव बाप को हिंदी के अलावा और भाषा नहीं आती भाषा ठीक है तो बैठे अगर इस हिसाब से अगर अमेरिकन टोले में प्रवेश करे अमेरिकन टोले में क्यों प्रवेश करेगा नहीं फॉर एग्जाम्पल की वार्ड इज वन तो वार्ड का बच्चा भी वन कहा जाता है तो एक में प्रवेश करेगा तो सब में प्रवेश करेगा सर्वव्यापी हुआ क्या एक जाति बन के आता है या सर्वव्यापी बन के आता है एक जाति बच्चों में सर्विस के लिए प्रवेश होता है लेकिन पता नहीं चल सकता कब आया कब गया क्या गया दूसरे बच्चे में मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं मम्मा बाबा प्रवेश करते जैसे बाबा मुरली में बहुत बार कहते हैं कि हर बार हर समय बैल पर तो सवार नहीं होता तो और बच्चे में सर्विस नहीं करनी मतलब उनको दस्ती की पावर देकर के उठाता है उनको वाचा की पावर से उठाता है समझाने वाला कमजोर होता है लेकिन हिम्मत करता है तो हिम्मत करने वाले को बाप मदद नहीं करेगा तो फिर बाबा एग्जाम नहीं
साड़ी भी नहीं होगा तो संक्रांति कैसे होगा? साबित होगा, प्रूफ मिलेगा, तभी तो संक्रांति होगा। सेवा करने के लिए चला जाता है। और जैसे कह रहे हैं बाबा कि हर धर्म पिता आकर के सृष्टि रूपी मकान का मरम्मत करते हैं, धर्म पिता सभी धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु, तो जैसे त्रेतायुग का अंत हो जाता है, त्रेतायुग का जब अंत हो जाता है तो इब्राहिम आता है सृष्टि पर, तो इब्राहिम ने आकर के कैसे रिपरेंट करता है, क्योंकि वो तो द्वैत फैलाता है सृष्टि पर, द्वैत फैलाता है, लेकिन उस समय ये इस्लाम धर्म की आत्मा व्यक्ति कला में आ जाती है, दृष्टि का सुख भोगते होते और देह के सुख भोगने में बहुत ज्यादा आदि है, वो सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती है, पतित बन जाती है, उन आत्माओं को उठाता है, पावर में देता है, उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है उनके आने से ही। नहीं बाबा, जैसे इब्राहिम की आत्मा परम धाम से नीचे आती है, आती है, पूरा मकान थोड़े ही रिपेयर करना होता है, जो हिस्सा टूटता फूटता है वही तो रिपेयर करना होता है। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो भी आत्माएं हैं वो उस समय तक नीचे गिर जाती है, वो दुनिया का वो हिस्सा टूट गया, जैसे टूट टूटने लगा तो उनकी मरम्मत कर देता है। इसका मतलब अपने कुल का ही करता है वो? हाँ, अपने कुल की आत्मा की मरम्मत कर देता है। हमको एडवांस में समझाया था त्रिमूर्ति कोर्स में, त्रिमूर्ति कोर्स जब हुआ था एडवांस में भर्ती में, हमको समझाया गया था कि जब पहले पहली बार परमपिता परमात्मा आते हैं सृष्टि पर, त्रिमूर्ति के साथ इकट्ठा आते हैं, तो जब गीता माता वो जो दादा लेकर आते क्लैरिफिकेशन थे उसको जब सुनाती है, तो उस वक्त शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना, शिव बाबा गीता माता क्लैरिफिकेशन थोड़ी सुनाती है, नहीं क्लैरिफिकेशन नहीं, वो साक्षात्कार की बातें, साक्षात्कार की बातें सुनाती है, सुनी हुई बातें सुनाने का काम शिव बाबा करते हैं, सुनी हुई बातें सुनाती है, सुनी बातें सुनाती, वो शिव बाबा ही उनके द्वारा सुनाते हैं ना, उनके सुनी हुई को सुनाना, बस ये किया है शिव बाबा ने किया। प्रजापिता के सामने किसी को ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी, ब्रह्मा को तो हिम्मत थी नहीं, ये डायरेक्ट उन्होंने बताया हमको, तो माताओं को बताया, तो माताओं में भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी, शिव बाबा ने प्रवेश करके हिम्मत दी, हिम्मत दी मतलब बाबा ने प्रवेश तो नहीं किया, प्रवेश करके, प्रवेश करेगा, एक तरफ प्रवेश करेगा वो सुनाना शुरू करेगी और वो सुन करके समझना शुरू करेगा, उसका सुनाना और सुनना और उसका समझना और समझाना साथ साथ चलता है। वही तो जैसे कह रहे थे कि एक साथ ही बाबा मतलब एक साथ ही हो जाता है योगा, ये हमने तुमको सुनाया, सुनने के साथ तुम समझते नहीं हो, समझते अच्छा समझेंगे तो समझाएंगे भी तो समझने वाला दूसरे को समझा भी सकता है, तो वो सुनने सुनाने का काम किया, वो कराने वाला तो शिव बाबा था, और वो समझने समझाने का काम किया, एक साथ ही हो गया ना बाबा, एक साथ ही होता है, लेकिन शिव बाबा तो कैसे एक साथ कैसे कर सकते हैं, जो सुनने के साथ समझना नहीं होता है, हमने सुनाया और तुमने सुनने के साथ समझना नहीं किया, तो एक साथ नहीं होता है, मतलब शिव बाबा ने तो ज्ञान का बीजारोपण जो है समझने समझाने को जो ज्ञान कहा जाता है, तो समझने समझाने का ज्ञान का बीजारोपण शिव ने डाला, लेकिन माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया, सुनने और सुनाने का, सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ गया, उसके द्वारा समझने समझाने का फाउंडेशन पड़ गया, मैंने ज्ञान का फाउंडेशन उसके द्वारा पड़ा, इसलिए गीता में कहा हम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ, ज्ञान का बीज पिता ने बोया। मेरा मतलब बाबा वो जो सुनने और सुनाने और समझने और समझाने का कार्य एक साथ होता है, एक साथ वो तो शिव बाबा की प्रक्रिया जो है सृष्टि रचना की प्रक्रिया, स्त्री पुरुष दोनों का साथ ही साथ हाथ होता है, पुरुष ने पहले पैदा किया बच्चे को या माँ ने पहले पैदा किया, ऐसा कर दिया,
जो वो कार्य हो रहा था वो शिव बाप ने ही कराया था दोनों को एक साथ प्रवेश करके ही कराया था ना ये शक्ति की शुरुआत का कार्य करता है माता धारण करती है बाप धारण कराता है जी तो बाबा जैसे कह रहे हैं ना वो हम आत्माओं की रोशनी इन आंखों से निकल दिए ऐसे ठीक है बोला तो वो कैसे वो मतलब रोशनी निकलने की बात कैसे हो जाता है तुम्हारे कभी ज्यादा फोर्स की दृष्टि नहीं मिलती है अनुभव होता है तो ऐसे ही कभी हम दूसरे को दृष्टि देते हैं तो हमारी दृष्टि में ज्यादा फोर्स होता है जैसे किसी को क्रोध आ जाता है तो क्रोध आने के टाइम आंखों में ज्यादा रोष आ जाता है तो वही लाइट मतलब रोशनी वही हो जाता है रजो बना सकती है आत्मा जी वहां भी चलती है क्रोध के टाइम पर एक कंफ्यूजन बाबा वो इस आइस के बारे में कहते हैं ना पीछे जाकर के सब की जो जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते पूरा उसके शरीर आइस में दब जाता है ना रिलीज हो जाएंगे मतलब आइस में उसका जाम होता है ना उसका सब सोच तो उस वक्त आत्मा उसके अंदर होता है कि मतलब शरीर से बाहर जाता है जब वो आइस में होता है शरीर अंदर तो आत्मा उस वक्त शरीर के अंदर होता है कि बाहर सेंसलेस हो गया सेंसलेस कौन हो गया मन बुद्धि सेंसलेस हो गई मन बुद्धि माने आत्मा मतलब आत्मा उधर रहता है क्यों रहेगा नहीं रहेगा जब शरीर निश्चल हो गया तो आत्मा उसमें क्या रहेगी क्या करेगी कहीं भी विचार करेगी मतलब ऊपर पर ना तो नहीं जाएगा ना बाबा इधर ही जो साढ़े चार आत्मा में कोई भी आत्मा तो पुरुषार्थ पूरा नहीं होती आत्माएं हैं जिनका भी पुरुषार्थ पूरा नहीं होता है भले चाहे अकाले मौत मरे चाहे बर्फ में दबे वो सब सूक्ष्म तन में इकट्ठी होगी तो लास्ट विनाश होगा तब सब वापस आएगा सब मतलब वो साढ़े चार आत्मा इधर सूची पर जाएंगे ना बाबा जो अपने शरीर को कंचन काया बनाने योग्य बन जाएंगे उन शरीरों में प्रवेश होता जाएगा क्या प्रवेश होगा और बच्चों की पैदाइश भी होगी जन्म देने वाले और जन्म लेने वाले साथ ही ऊपर जाएंगे माने प्रवेश होने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश हुआ है वो साथ ही साथ ऊपर जाता है परिणाम जाते हैं और वापस आकर के उसी शरीर में फिर प्रवेश करते हैं तो वो जो फ्रीज हुआ शरीर है फ्रीज हुआ शरीर और कोई कोई आत्मा तो उसका पुरुषार्थ पहले अपने आप ही वो संपन्न कर लेता है और उसको तो आयुष में दबने की दरकार नहीं ना हाथ के अलावा शरीर को दबना पड़ेगा शरीर को दबना पड़ेगा इसका मतलब आठ ही रहेंगे सृष्टि पर और बाकी सब बात तो आठ ही होंगे परिणाम वापस जाने की बात नहीं है वो बीच स्टेज में रहने की बात है जैसे आदमी कहा कि हमें सब भूल जाता है निसंकल्प स्टेज हो जाती है तो क्या परिणाम चलेंगे नहीं परिणाम नहीं चलेंगे बाप के वाइब्रेशन में आ गए मतलब बाप के घर में आ गए आत्मा नहीं रहते मतलब उस स्टेज में पहुंच जाती है निसंकल्पी स्टेज में निराकारी स्टेज तो मतलब परमधाम जाने की बात नहीं ना बाबू स्टेज वो परमधाम जाने की बात तब है जब संपन्न स्टेज में पहुंच जाए तो आना जाना होता है वो एवरलास्टिंग जाना ही हो जाएगा फिर वापस दुनिया में नहीं आना होगा अभी तो हम जाते हैं थोड़ी देर के लिए फिर वापस संकल्पों की दुनिया में लास्ट टाइम का जो जाना होगा वो आखिरी होगा गए और आए परम धाम के बारे में जब इसको कोर्स कराया था मम्मी भाई जी ने बताया था कि जैसे ब्रह्म कुमार तो दिखा था कि नीचे पृथ्वी है उसके ऊपर सूक्ष्म पतन है तबक्का तो वो हिस्सा दिखाते हैं ना
भूमि से मतलब पृथ्वी बीच में है और चारों तरफ सूक्ष्म मतलब परमधाम चारों तरफ है पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस के चारों ओर सूक्ष्म मतलब परमधाम है, ऐसे गोल में है चारों तरफ से, ऐसे थोड़ी कोई ऊपर ही है या नीचे है, चार ही तरफ है। तो परमधाम बाबा कितना मतलब उसका भी वो तो बेहद होगा ना, वो तो बेहद है, नापा नहीं जा सकता ना, ये दुनिया तो हद है, सूर्य चांद सितारे ये भी हद में है। आप ना कैसे रहते हो बाबू उधर नवीन भाजन ज्यादा कैसे गोल गोल में घूमते हैं, तीखी आत्मा होगी जितनी ज्यादा तीव्र तीखी आत्मा है सबको अपनी परेज में लेकर सबको अपने कंट्रोल में लेकर रखती है, जैसे प्रजाति का शिव को कंट्रोल में नहीं रखे परेज में लेकर नहीं रखे, बाकी सारी दुनिया में उसके मार्ग सब कंट्रोल में, ऐसे ही और नंबर वाली भी आत्मा है 500 करोड़ सब एक दूसरे की परेज में रहती है। यहाँ के जीव जंतुओं की आत्मा है वो मनुष्यों की परिधि में रहते, कीड़े मकोड़ों की आत्मा है वो पशुओं और पक्षियों के उसमें रहती है, परिधि में रहती है, और जड़ पेड़ पौधे उनकी आत्मा वो और पृथ्वी के नजदीक रहते हैं। मैंने जो जितना बुद्धि में देखा वो पृथ्वी की पांच तत्वों की परिधि से परे, और जो जितना जड़त्व बुद्धि वो उतना नजदीक, इसलिए शिव शिव बाप सबसे दूर सबसे परे सबको कंट्रोल करते रहते हैं। बाबा एक मुरली में मैंने वो अमीबा होते ना अमीबा वो जो मतलब आँख से नहीं देखते वो सूक्ष्म अमीबा में भी आत्मा होते ऐसे बोला था, बैक्टीरिया अमीबा वायरस उसमें अमीबा आत्मा होते होती बैक्टीरिया आत्मा नहीं होती, बैक्टीरिया को पैथोस्कोप से देखते नहीं है डॉक्टर लोग, देखते हैं मलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है उसको देखते नहीं, वो देखते हैं तो फिर वो चैतन्य होता है जड़ होता है, चैतन्य होता है उसमें भी आत्मा होती है। बाबा ये जैसे हम डिस्कवरी चैनल नेशनल ज्योग्राफी चैनल में देखते हैं कि शेर बकरी को मारता है और बहुत से वो क्या कहते हैं मगरमच्छ भी मारता है, तो उसको कितना दुख होता है ना, वो उसका खून सुन बह जाता है, तो ऐसा क्यों होता है बाबा वो मतलब इतना हिंसा क्यों होता है उस प्राणी की, उसका भी कुछ कर्म बंधन होता है, चौपाई होगा, चौपाई जो प्राणी है चार हाथ पाँव वाले जो हाथ पाँव से चलते हैं, दो पाँव दो हाथों से चलते हैं वो चौपाई कहे जाते हैं, तो उनकी एक जाति है क्या, वो एक जात से दूसरी जात में कन्वर्ट हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, जैसे द्वापर की शुरुआत में डायनासोर हुए होंगे, हाँ वो कोई जंगल में रहते हैं, जंगल में अचानक आग लगी तो सब मर गए, एक आग कहीं रह गया कोई मेल या फीमेल, जब अकेला ही रह जाए तो कोई ना कोई दूसरे जीव जंतु के साथ संक्रमण करेगा ना, दूसरी जाति पैदा हो जाएगी, वो जाति खत्म। तो क्योंकि जानवर में तो मतलब मन चिंतन मंथन नहीं होता बाबा, वो तो जैसे जड़ बुद्धि होती है, फिर भी तो बुद्धि है, तो उसका हिसाब लग जाता है, खाना पीना अपना स्वयं ढूंढता है, बुद्धि तो है लेकिन मन चिंतन तो नहीं कर सकता है, क्यों नहीं करता, आग लगने वाली है आग देख रहा है तो भागता है ना, शेर आ रहा है तो बकरी भागेगी ना, गाय भागेगी ना शेर को देख के, बुद्धि नहीं है तो अपने अपने कर्म बंधन के कर्म के हिसाब से उसको भुगतना पड़ता है ना बाबा, वो जो बकरी जो होती है उसको तो आपने बकरी जन्म में बकरी बनी पिछले जन्म पता नहीं कौन सा चौपाया थी, और सत्य में ऐसा नहीं होगा ना, मतलब शेर और हिंसा
नहीं होती है, हिंसालु प्राणी नहीं होते हैं, क्योंकि बताया गया है कि पृथ्वी में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, ये सब जीव जंतु नहीं होते, मनुष्य ही सब नहीं है तो जीव जंतु नहीं होते, शेर भी नहीं होते ना, मतलब ये जो हिंसक जानवर है इधर गोली जीव जंतु है वो हिंसा करने वाले नहीं होंगे, यहाँ मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति है तो हिंसा करने वाले जीव जंतु भी है, वहां मनुष्य भी हिंसक नहीं होगा तो जो भी जीव जंतु होंगे वो सब सात्विक होंगे, हिंसा करने वाले नहीं होंगे, मनुष्य विकारी बनता है तो सब जीव जंतु भी विकारी बन जाते हैं, मनुष्यों के अंदर वाइब्रेशन की पावर उसे सारी जगह से परिवर्तन होता है, अभी भी दुनिया का परिवर्तन भाषण वाली से नहीं होगा, भागवत की सेवा करने से भी परिवर्तन नहीं होगा, वाइब्रेशन से भी परिवर्तन होगा, वृत्ति बहुत पावरफुल काम करती है, और कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी सबको धर्मनाथ का झाड़ू धर्मनाथ का डंडा लगता है ना सभी को, ये 108 को भी लगे, मतलब सबको, हाँ सबको भी लगेगा और 16 सबको लगेगा, वो कैसे लगने का मतलब क्या होता है कैसे, तो नंबर वन पाप कर्म कुछ रह जाते हैं भस्म करने के लिए, अपने पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाते, झाड़ू लगने का मतलब क्या है कैसे, झाड़ू तो प्रकृति लगाती है कचरे की सफाई करने के लिए, धर्मराज की तो माल होती है, कचरे डंडे से मतलब किस, वो अपने जो अपने विकर्म किया है ना उसको कैसे पता चला कि मेरा विकर्म विनाश हो रहा है, उसको झाड़ू धर्मराज का डंडा लग रहा है, उनको शरीर नहीं है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती शरीर छोड़ गए, उनको शरीर अभी नहीं मिलेगा सूक्ष्म, लेकिन सूक्ष्म शरीर से किसी में प्रवेश करके वो धुनाई होगी, धुनाई पिटाई होगी, उसको मतलब शरीर धारण करा के फिर सजा मिलेगी, ऐसे नहीं संकल्प से सजा भोग करके खत्म हो जाएगी, शरीर से भी मार पड़ेगी, जैसे पिछली बार बाबा एक आत्मा प्रवेश कर गए थे ना मेरे अंदर, तो जो आत्मा प्रवेश कर रही थी वो क्या मतलब 4.5 लाख बच्चे पति जैसे जन्म लेने वाले वही आत्मा है कि दूसरा आत्मा है, वो जैसे कोई आत्मा प्रवेश कर लेते हैं बुजुर्ग आत्मा में प्रवेश कर लेते हैं कोई भी आत्मा, तो जो आत्मा प्रवेश करती है वो आत्मा जो बुजुर्ग आत्मा उससे जन्म लेने वाली आत्मा है कि मतलब दो तरह के होते हैं, एक तो वो आत्मा है जो बीच से शरीर छोड़ने के बाद उसे प्रवेश करती है बीज रूप आत्मा, जिन बीज रूप आत्मा प्रवेश करती है उनकी स्थिति बीज रूप स्टेज बन जाती है, तो उनका चेहरा मोरा दृष्टि बदलती नहीं है, सामान्य दृष्टि रहती है, सामान्य चेहरा मोरा है, सामान्य हरकत करते हैं, पता नहीं चलता कब आए कब गए, लेकिन कुछ ऐसी ये भी सोल होती है जो प्रवेश करके हाल खराब कर देती है, जिसमें ऐसा हुआ ये बता रहा है कि बाबा जैसे अभी आपने कहा कि कोई आपके साकार में आया तो निसंकल्प हो जाता है, मतलब भूल जाता है बहुत कुछ भूल जाता है, तो इसको तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब ये कि मैं स्कूल का ही नहीं हूँ, ये पूछ रहा है क्या हुआ क्या अनुभव नहीं हुआ इसको, वैसा अनुभव नहीं हुआ किसी असोल दीदी सोल प्रवेश कर लिया, अच्छी बात है क्या नहीं आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ नहीं है तो दीदी सोल प्रवेश करें, आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ है तो क्यों प्रवेश करेंगे, और बाबा जैसे बताया गया है कि हर धर्म जो आधारभूत आत्मा था आधारभूत आत्मा के नहीं जैसे सिद्धार्थ था सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध प्रवेश कर गया, तो महात्मा बुद्ध तो परम धाम से पहली बार आते हैं ना, वो मतलब जन्म तो नहीं लेते वो प्रवेश करता है,
तो सिद्धार्थ तो जन्म लेता है सुदोधन से, तो सुदोधन तो बीजल बाद में होते एडवांस पार्टी में ही अभी, उसका पिता प्रजापिता हो जाता है। सुदोधन का पिता बिंदुसार वो प्रजापिता का बाप है, मतलब मैंने बीज रूप आत्मा का भी पिता है, मतलब वो राम बापी है ना, तो बाबा है, तो हर धर्म यहाँ भी बाबा रहकर के पाठ में जाती है शूटिंग करती तो वहाँ भी बाबा बनती है। तो क्राइस्ट का भी ग्रैंडफादर हो गया प्रजापिता, बुद्ध ओम मंदिर का भी ग्रैंडफादर हो गया, तो प्रजापिता की जो युगल होती है बाबा, युगल भी वही जगत माता ही होती है। तो उस क्राइस्ट के तो बाप नहीं होता क्या? बाप तो बिना बाप के कैसे है? कुछ पूछना है? मेरा तो बस इतना ही हो गया, चलो टाइम भी हो गया।